सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा मानो। अच्छा तुम मिल गए। मैं ऑफिस में मिलना चाहता था लेकिन काम ऐसा फंस गया कि मिल ही नहीं पाया। कुछ काम था आपको? हाँ, मुझे बस ये पूछना था कि तुमने सैलरी इंक्रीमेंट के पेपर साइन करवाया जयवंत से? मैं गया था लेकिन उन्होंने कहा कि अभी नहीं होगा, बाद में होगा। ये जयवंत भी ना, पता नहीं मैं कितना सही हूँ या कितना गलत, लेकिन जयवंत के बारे में मेरी कुछ खास अच्छी राय नहीं है। इंसान सही नहीं है वो, लेकिन अभी अर्चना से उसकी शादी तय हो रही है तो फिर कुछ कह भी नहीं सकते। खैर, मैं कभी ऐसा चाहता नहीं था। आप कहना क्या चाहते? मानो जयवन मुझे कभी भी सही नहीं लगा अर्चना के लिए। अर्चना एक ऐसी लड़की है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, और जयवंत उसे अपने आगे कुछ भी नजर नहीं आता। इन दोनों की जोड़ी कैसे मेल खा सकती है? मानो जयवंत जितना ऊपर से सीधा साधा दिखता है ना, अंदर से उतना ही पहुंचा हुआ है वो। उसकी आंखों में नजर आ रहा है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो कभी कभी अर्चना की चिंता होती है, शादी के बाद अगर उसने अपना असली रंग दिखाया तो न जाने अर्चना का क्या होगा, उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। अर्चना को तुम जानते ही हो, सब कुछ सह लेगी वो, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेगी अपने पति के बारे में। खैर, पप्पा ने क्या रचना की है तुम दोनों के साथ में वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों के साथ जो हुआ वो सही नहीं हुआ। अगर आज तुम और अर्चना साथ होते तो इस दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी होते, सबसे आदर्श, सबसे सुखी पति पत्नी होते। खैर, अब इन बातों को करके कोई फायदा है नहीं। कहाँ जा रहे हो तुम? चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, वो मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, मुझे उधर काम भी है, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। कल ऑफिस आकर तुम मुझसे डायरेक्ट मिलना, फिर क्या करना है मैं देखता हूँ। जी। नहीं, मैं अर्चना की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे देखना होगा कि वाकई में जयवंत अर्चना के लिए सही है या नहीं। वाह, आने वाले पोते की क्या स्वागत की तैयारियां हो रही हैं, हैं? होनी भी चाहिए ना, हमारा पहला पोता है तो स्वागत भी उसी तरह से होना चाहिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो टोपा बनाना है, मोजा बनाना है, दस्ताने बनाने, कितना कुछ बनाना है, आपको पता है ना। अरे देखिए ना, एक चीज बताना ही भूल गई आपको, मैं ना उसके लिए चांदी का चम्मच बनवा रही हूँ। अपनी जिंदगी का पहला निवाला ना वो उसी से खाएगा। सच में दादी बनने का जो सुख है ना, वो मैं आज महसूस कर रही हूँ। और ये एहसास तो तुम्हारी बातों से झलक रहा है। हाय आई, हाय बाबा। वर्षा, कितनी थकी सी लग रही हो तुम। नहीं नहीं, सच में तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी किसी बड़ी बीमारी से उठी हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता इसलिए बोल देती हूँ। वर्षा, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? क्यों अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? अरे आराम करो, घर में बैठो। और एक चीज बताओ मुझे, आखिर साबित क्या करना चाहती हो तुम?
मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी इज्जत से ना तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़ेगा। बच्चा बच्चा, आई फॉर गॉड से बंद करो ये टॉपिक। एक ही बात सुनकर पक गई हूँ मैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि बच्चे के अलावा मेरी खुद की कोई जिंदगी ही नहीं है। अच्छा बेटे, तुम गलत कह रही हो। एक मिनट बाबा, अब टॉपिक निकल ही गया तो मैं कुछ बातें आई से क्लियर करना चाहती हूँ। आई, जो बच्चा इस दुनिया में अब तक आया भी नहीं है, आपको उसकी इतनी फिक्र है, और आपकी बहू जो 24 घंटे आपके सामने खड़ी होती है उसकी कोई चिंता नहीं। ये तुम क्या बोल रही हो वर्षा? कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो तुम? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ वर्षा कि अपने आप को इतना एग्जॉस्ट मत करो जिससे तुम्हारे बच्चे की सेहत पे असर पड़े। देखा, मेरे इतना कहने के बावजूद आई आप अभी भी बच्चे की सेहत के बारे में ही बात कर रही है। मेरी अपनी कुछ एम्बिशंस है, कुछ चाहते हैं, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मुझे वो सब अच्छा लगता है, और उसके साथ साथ अपनी सेहत का जितना ख्याल मैं रख सकती हूँ मैं रख रही हूँ ना। लेकिन मुझे नहीं लगता आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि इस घर में आपके होने वाले पोते की सिर्फ माँ बनकर रह गई हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो इसमें बुराई क्या है वर्षा? एक बच्चे की माँ के रूप में पहचाने जाना एक औरत के लिए गर्व की बात होती है। ऐसा आपको लगता है? ये आपकी सोच है आई, मेरी नहीं। मुझे लगता है कि सारे रिश्ते बनाने के बाद खुद अपने लिए कुछ स्पेस रखना, इसमें बिलीव करती हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है। एक बात सच कहूं, आपके इस बिहेवियर से ना मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छा होता अगर मेरी जिंदगी में बच्चे बच्चे का झंझट ही नहीं होता। वर्षा, अरे बाबा, मैच का क्या हाल चाल है? हमारी टीम ने कुछ रनवन बनाए या फिर गए वड़ा पाव खाने? अरे नहीं नहीं विनोद, मुझे पता है सचिन और मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है, लेकिन ऐसी बात नहीं, आज तो हमारे बल्लेबाजों ने कमाल ही कर दिया। पता है विनोद, 207 का टारगेट उन्होंने करीबन 40-45 ओवर में पूरा किया। क्या बात कर रहे बाबा, तो हम जीत गए इसका मतलब? आज मुझे तो लग रहा था मैं टेस्ट मैच नहीं वनडे देख रहा हूँ। अच्छा बाबा, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। हाँ हाँ। अरे अर्चु, तू आ गई? हाँ आई। तुझे पता है ये इतना रो रही थी, इसको घर ही वापस नहीं आना था, फिर मैंने इसको चॉकलेट दिलाई और वापस लेकर आई, वरना ये मैडम तो आ ही नहीं रही थी। अरे सुलोचना, सुन रही हो ना? अरे भाई, इंडिया मैच जीत गई है। तो मैं क्या करूं? अरे क्या करूंगा क्या मतलब? अरे भाई, चाय हलवा कुछ तो बनाओ। जा विनोद, सामने से वड़ा पाव लेके आ सबके लिए। अगो भाई, भलतेज काय बोलता है? अर्चु सुन रही है ना, डॉक्टर ने ये सारी चीजें खाने के लिए इनको मना किया है, वड़ा पाव और हलवा नहीं। नहीं, आपको चाय भी सिर्फ 2 कप पीनी है, और वो आज का कोटा खत्म हो गया मैच के चक्कर में। देख रहे ना? अरे बाबा, तेरी आई कितना अन्याय करती है मुझ पर। बाबा, आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है, आई जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तुम सभी लोग ऐसे ही हो, जब भी तुम्हारे बाबा को तुम्हारी जरूरत पड़ती है ना, बस अपनी आई का पल्लू थाम लेते हो। क्यों नहीं पकड़ेंगे? क्योंकि आई जो भी बोलती है ना, सबके भले के लिए बोलती है। देखो सुलोचना, ऐसा नहीं है। हाँ, गलत फहमी में मत रहना, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। बहस नहीं करनी है या फिर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है? क्या करूं, जवंत के बारे में बात करूं अर्चना से? मेरा इस तरह बात करना सही होगा या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन अर्चना की भलाई के लिए मुझे उससे बात करनी ही होगी। अगर वाकई में सतीश और अजीत की बात में सच्चाई है तो मुझे अर्चना को आगाह करना ही पड़ेगा। अर्चना, किसका फोन है? आई, वो मेरी किसी सहेली का फोन है। मैं अभी आई। हेलो। हेलो अर्चना, क्या बात है माना, आपकी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? वो अर्चना, मैंने तुम्हारी तबीयत जानने के लिए फोन किया था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बस पूछने के लिए फोन किया था। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत?
मैं ठीक हूँ मानव। अच्छा अच्छा वो अर्चना, जयवंत ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? हम दोनों को उसने एक साथ ऐसे देखा तो मुझे लगा कि... नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है मानव, आपने सिर्फ ये पूछने के लिए मुझे फोन किया था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ और कहना चाहते थे और आप कुछ और ही कह रहे हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि यहाँ चोरी छुपे खड़े होकर मानव से बात की जा रही है। अर्जू, अब तुम अंदर और फिर मजा देखो। नहीं अर्चना, मैंने बस तुम्हारी तबीयत जानने के लिए ही फोन किया था। अच्छा मैं रखता हूँ, अपना ख्याल रखना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानव कुछ कहना चाहते थे, पता नहीं क्या। अर्जुन, किसका फोन आया था? तुम जिस तरह से बात कर रही थी मुझे लगा कि शायद मानव का फोन था। हाँ भाई, मैं मानव से ही बात कर रही थी। अर्जुन, इतना कुछ हो गया है तू फिर भी नहीं समझ रही है? तू बार बार वही गलती दोहरा रही है जो तू 10 बार कर चुकी है। अर्जुन, तेरा मकसद मानव को जेल से छुड़ाना था, जिसके लिए तूने हम सबकी नाराजगी मोल ली। अब तेरा मकसद पूरा हो गया है। मानव जेल से छूट चुका है, लेकिन तू उसके बाद भी मानव से बात कर रही है। अगर अर्जुन ये वाली बात जयवंत या उसके घरवालों को पता चलेगी तो? अर्जुन, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुझे एक बात को बार बार बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है। हाँ अर्जुन, विनोद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ, तुम जयवंत से शादी करोगी ना? यह इस बारे में नए सिरे से सोच रही हो? आई, मानव का फोन सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो जानना चाहते थे कि मेरी तबीयत। अर्चो, मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे अपनी बेटी पर और उसके संस्कारों पर पूरा भरोसा है। बैठे हुए हैं आप? खाना खाया? मालूम है मेरा इंतजार कर रहे होंगे आप। कितनी बार कहा है कि मेरा इंतजार मत किया करिए। क्या बात है बाबा, कुछ परेशानी? वर्षा और तेरी आई के बीच में फिर झगड़ा शुरू हो गया। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है इस बच्चे के इशू को लेकर, कहीं दोनों में युद्ध न छिड़ जाए। बाबा, मैं थक चुका हूं। आई को समझाने जाता हूं तो आई बुरा मान जाती है, वर्षा को समझाता हूं तो उसे लगता है कि मैं आई की तरफदारी कर रहा हूं। लेकिन बेटा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी अभी और इसी वक्त, वरना तो अंजाम तो जानता है ना। अश्विन वाले किस्से को लेकर हमारा घर टूट सा गया था, और अगर अब कुछ ऐसा हुआ बेटा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब आप कहते हैं तो मैं वापस से कोशिश करूंगा, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़ी हुई हैं। तो एक काम कर, तो वर्षा को समझा, मैं भावना को समझाता हूँ। और हाँ, वर्षा को एक बात और समझा दो
उसने जो आज ये बात कही है कि ये बच्चा ना होता तो अच्छा होता, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सतीश, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने बच्चे के बारे में जो भी कहा वो सही नहीं था। वाह, हमारी ठीक से बात भी नहीं हुई अब तक और तुम्हें इस बात का पता भी चल गया। वर्षा, कम से कम तुम तो मुझे समझो सतीश। कुछ भी जाने बगैर सही गलत का फैसला कैसे कर सकते हो तुम? देखो सतीश, तुम जानते हो मुझे अपनी आजादी, अपना फ्रीडम कितना प्यार है, और इस बच्चे की वजह से अभी से उस पर पाबंदियां पड़ रही। एक तो सतीश, ये सब कुछ मेरे लिए इतना अनएक्सपेक्टेड था। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं एक अच्छी माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। जानते हो सतीश, जब भी अकेली होती हूँ ना, तो इसी सब के बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद के बारे में सोचना ही भूल गई हूँ। ऊपर से आई का बच्चे को लेकर इतना पॉजिटिव होना, मुझे तकलीफ होती है इस सब की। और सोचो सतीश, अगर कल को बच्चा होने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हम अच्छे आई बाबा नहीं बन सकते, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो। सतीश, ये देख रही हो, इनके पास घर नहीं है, दो वक्त की रोटी ये ठीक से कमा नहीं सकते, लेकिन ये माँ है, और यही माँ होने का एहसास इन्हें अपने बच्चे की परवरिश करने की ताकत देता है, समझ देता है। वर्षा, इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम क्यों नहीं अपने बच्चे को एक अच्छी, एक खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं? मैं तुम्हें कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं वर्षा, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि एक बच्चे के हमारी जिंदगी में आ जाने से हमारी जिंदगी रुकती नहीं है, वो उसी रास्ते पर उसी स्पीड के साथ चलती रहती है। वर्षा, मैं तुम्हें यहां पर इसलिए लाया ताकि तुम्हारे अंदर जो बच्चे को पालने का भय है, उस भय को मैं निकाल सकूं, उसे खत्म कर सकूं। तुम्हें लगता है ना कि बच्चे के आ जाने से तुम्हारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है वर्षा। वर्षा, ये जो फैसला है ना, ये तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा है, वो हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। बच्चे को तुम्हें पालना है या नहीं पालना है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम मां बनने जा रही हो, तो तुम इस नए एहसास को फील करो। बच्चा बहुत बड़ी दौलत होती है इस दुनिया की, उसकी तुलना हम किसी और चीज से नहीं कर सकते। इस दौलत को अपना लो, ये तुम्हें बहुत खुशी देगी, बहुत सुकून देगी। मानो, कल मैंने तुझसे एक काम बोला था, किया तूने बेटा? हाय, एक मिनट। ये ले। पूरे लाए ना बेटा? अरे मानो, मैंने जो बोले थे उससे कम लग रहे हैं पैसे। हाय, वो इसमें 10,000 कम है। पिछले साल सचिन के नामकरण के लिए मैंने एक दोस्त से 10,000 रुपए उठाए थे ना, तो उसने मांगे तो मैंने दे दिए। मैं अगले इस साल भी मैं गए साल जैसा वड़ा पाव का स्टॉल लगाने वाली हूँ, उसका डिपॉजिट भरना है ना। हाँ, विमला और लक्ष्मी भी मदद करने वाली है, तेरी भी जरूरत पड़ सकती है। हेलो, जयवंत बोल रहा हूँ, मानव है? एक मिनट। हाँ मानव, जयवंत का फोन है, तुझसे बात करना चाहते हैं, आ जा। मुझे आदमी कभी अच्छा नहीं लगा, पहली बार मुलाकात हो गई तभी मैं समझ गई पागल है, अड़ा है। सुलोचना ताई ने अपनी बेटी के लिए इसको कैसे, जाने तो मुझे क्या करना है अर्चना और उसकी जिंदगी ले।
हेलो, तुमने शफी सर से मेरी कंप्लेंट की? सर मैंने, मेरे खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैंने तुमसे कहा था ना दो चार दिन रुक जाओ, तो फिर मैनेजमेंट तक जाने की क्या जरूरत थी? शफी सर ने मुझे अपने कैबिन में बुलाकर बहुत खरी रोटी सुनाई। मैं भागा जा रहा था या तुम्हारे इंक्रीमेंट, जो तुम्हें ये सब तमाशा करने की जरूरत थी? सर मैंने एक बात कान खोल कर सुन ले माना, अगर तुम मेरे साथ पॉलिटिक्स खेलेगा ना तो नौकरी से तो हाथ धो बैठेगा, तेरी निजी जिंदगी भी हराम कर दूंगा मैं। समझ गया ना? आसमान में जब तक सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे।